खेसारी लाल यादव ने क्या कहा हमारा घर रोजे सोहर हो खेला हर मेहरारू ना एटीएम टी एम मशीन है डाला स निकाला स रोज रोज ठीक बा वो कहे कि हमारा घर रोजे सोहर हो खेला का हमारे चूहा हुआ, हुआ है का <laughs> <laughs> कोनो के घर लैका बच्चा होला साला नौ महीना हो खेला उनका घर रोज कहाँ से होला का <laughs> आ, उनकर मैं मशीन अब तुम लोग कुकुर बिल्ली की तरह आपस में लड़ो तो तुमको ये लोग विवाद पता है क्यों करते हैं छोटे कलाकार का गाना ना बजे अच्छा। और अक्सर जिनकी औकात से लोग बाहर होते हैं जिनको लोग पा नहीं सकते जिनके लोग कैप्चर नहीं कर सकते अक्सर उसकी लोग बुराई करते हैं कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं जी। <laughs> ठीक है <laughs> तो मैं अंगूर हूँ ना मिले तो खट्टे हैं तो खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सामने आएंगे तो उनकी बैठ के बात करने की औकात नहीं है हमसे नमस्कार मैं विष्णु आप देख रहे हैं भोजपुरी फैन क्लब और आज हमारे साथ भोजपुरी की गायिका तान्या झा जी हैं तो आइए इनसे बात करते हैं कैसी है बहुत अच्छे सबको नमस्ते प्रणाम जितना आदमी देख रहे हैं जितना आदमी वॉच कर रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम है हम चाहेंगे कि इंटरव्यू का शुरुआत आपके कोई गाने से हो। hmm, और कि डांसर आवेली सो घरे ये गो हमारा पजरे देखी हम के तो बॉडी ओई ठेले कि फर चुनर से चले बोल मुआए गो नचनिया बगल में बैठेले चलिए क्या बात है बहुत ही अच्छा किस चैनल से गाना आया है तानेज ऑफिशियल से ज्यादातर मेरा गाना फास्ट म्यूजिक हिट्स से आता है या फिर तानेज हिट्स से आता है फिर तानेज ऑफिशियल से क्योंकि हम बहुत कम लोगों को कहते हैं कि तुम हमसे गवाओ

अभी तक अगर कोई गाना आया हो तो चाहेंगे कि गा दीजिए और एक की होली के लहरा में बहरा रहेला बहरी ये खालेला तो दीवारा है आगे डालेला पियावा पाछे डालेला मन रॉन्ग जी जी क्या बताएं कल मैम आपके फेसबुक आईडी से मानवी मैम के साथ एक फोटो आपने पोस्ट किया है क्या मैम के पास किस लिए गई थी आप बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छी, अच्छी। कहीं ना उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन कर्म से मेरी माँ है और माँ कहने माँ शब्द बहुत भावुक चीज़ होता है और जैसे ही गए उन्होंने बहुत प्यार किया मुझे उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दुनिया क्या कहती है मुझे मैटर नहीं करता मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलकर माँ एक बात कहना चाहेंगे दुनिया में आपने अपना बेटी तो मुझे बना लिया लेकिन इस समाज को लेकर के कभी भी आप मेरे ऊपर गलत शक मत कीजिएगा क्योंकि आपकी बेटी अगर आपने बेटी बनाया है तो इतना चीज़ याद रखिएगा कि आपकी बेटी कभी गलत नहीं कर सकती तो मैम किस लिए गई थी वहाँ पे क्या बात हुआ कुछ बताइएगा अब जिन जिन ने मेरा नाम लगाया मेरा फ़ोटो ला के गया उन, 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 उनकी खैर नहीं है बस इतना ही कहना चाहेंगे और हम बहुत खुश हैं इस वजह से कि उन्होंने हमारे परिस्थितियों को देखते हुए हम पे एक्शन लिया ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विकास जी एक्सपोज मीडिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैम एक समरेश चौबे नाम का सिंगर है जो कि आरा का रहने वाले हैं वो आपको आ, आप पे अभद्र भाषा बोल रहे हैं कि मिलेगी तो हम पहले मारब या ये सब उस पर आप क्या कहना चाहिएगा क्या नाम बताया आपने समरेश चौबे उनकी औकात से हम बाहर हैं और अक्सर जिनकी औकात से लोग बाहर होते हैं जिनको लोग पा नहीं सकते जिनके लोग कैप्चर नहीं कर सकते अक्सर उसकी लोग बुराई करते हैं अगर सामने वो मिल जाएंगे तो वो वही कहेंगे तानिया जी नमस्ते इससे ज़्यादा उनकी कोई वर्ड मेरे प्रति नहीं निकल सकती क्योंकि भोजपुरी में ऐसे इंसान ने मेरे सर पे हाथ रखा है ना कि अच्छे अच्छे आदमी कहते हैं तानिया जी नमस्ते हमारे नाम के पीछे एक नाम जुड़ा है आप जानते होंगे मुन्ना मोहित जी जी जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही आदरणीय माने जाते हैं और उनके साथ मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है नहीं नई रेचमनचूती है लोग वो बहुत अच्छे इंसान हैं और इंसानियत के नाते उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हमारी स्थिति हमारे परिस्थिति हमारी हालात को देखते हुए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है ठीक है समरेश चौबे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने से सीनियर कलाकार को जैसे विष्णु ओझा जी भरत शर्मा को आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कभी अच्छा क्या बोले हैं माई बहन तो बोले नहीं होंगे सिंपली सी बात है समरेश चौबी ना है ना उनको कहिएगा कि हम उनकी ना हम बहुत ऊपर की चीज है उनसे उनकी औकात से मैं बहुत ऊपर हूं और अक्सर अंगूर एक कहानी कहावत सुने विष्णु जी कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं ठीक है, जी। <laughs> <थीक> है? <laughs> तो मैं अंगूर हूँ ना मिले तो खट्टे हैं तो खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सामने आएंगे तो उनकी बैठ के बात करने की औकात नहीं है हमसे हमसे बात करने से पहले हमारे जितने लोग हैं उनसे मिलना पड़ेगा उनको हम तक पहुँचने के लिए तो बहुत मुश्किल चीज़ है हम हम बहुत दूर की चीज़ हैं बबुआ मेरा बच्चा बेटा जी मैं बहुत दूर की चीज़ हूँ और मुझे कैप्चर करना आपके इस जन्म में संभव ना है इसलिए मेरे प्रति अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ गाते हो गाना गाओ और आज से कुछ दिन बाद वो भी अपना गाना मेरे पास भेजेगा डुबेट के लिए उस दिन मैं आपको कहूँगी और जब मेरे साथ उसका डुबेट गाना आएगा आप जा करके उससे पूछेगा कि वही तानिया झाए ना जिसको आपने गाली दिया था क्यों गाया भैया आपने उसके साथ चल छः महीना साल और अभी आपसी तो लाइफ टाइम है अनलिमिटेड है ही चाहे ये जिंदगी के साथ भी है ज़िंदगी के बाद भी है क्योंकि भोजपुरी का तगड़ा चैनल है बी न्यूज़ तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सर्वेश जी आप मेरे दोस्त हो या समरेस जी आप मेरे दोस्त हो दुश्मन हो चाहे जो भी हो आपके लिए हमारे मुंह से बस इतनी ही दुआ है कि आप जहाँ रहिए खुश रहिए आबाद रहिए माँ पिता का नाम रोशन करते रहिए और किसी के ऊपर टिप्पणी उठाने से पहले एक बार अपने गतिमान में जरूर झांकीगा अगर आपको मेरा नाम लेके हिट होना है तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क की कीजिए मैं आपके साथ डुबट गा दूंगी आप खुद ब खुद हिट हो जाएंगे ठीक है तो किसी के नाम को बदनाम करने का आपको अधिकार संविधान ने नहीं दिया है और संविधान के विरुद्ध आपके पापा भी नहीं जा सकते आप तो बहुत दूर की चीज़ है चलिए क्या बात है मैम भोजपुरी में विवाद चल रहा है पवन खेसारी को लेकर खेसारी लाल यादव कुछ दिन पहले स्टेज पर आकर बोलते हैं कि पवन सिंह मरियो हैं तो उनका घर है सोहर ना गवाई तो ये बात पर पवन सिंह कुछ ना कह रहे हाँ नहीं, हा? नहीं पवन सिंह ने कुछ जवाब नहीं दिया देखिए बहुत एकदम इजीली सी बात समझाएंगे हम कीचड़ हैं ठीक है ठीके? आप हम पे ढेला फेंकीेगा तो किस पे पड़ेगा खुद पे आपे पड़ेगा ना तो वो कीचड़ में ढेला पवन सिंह कभी नहीं फेंक सकते हैं कभी फेंक ही नहीं सकते हैं मैंने तुलना क्या कर दिया आप समझ गए होंगे अकाल से फिर विवाद शुरू बा हम जानता नहीं के लेके तो खैर कौन दिक्कत नहीं खेसारी लाल यादव ने क्या कहा है हमारा घर रोजे सोहर हो खेला उनका उनहराू ना ए टी एम मशीन ही यार डाला सा निकाला सर रोज रोज ठीक बाहर आुना ही यार ए टी एम मशीन ही है रोज रोज को अरे यार अगर मनुष्य जन्म देता है शिशु हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है इसलिए तो जाना लम्बो का इतना बाबू नहीं जाना लाना एक बात जान लीजिएगा कि वो कहे हैं कि साला मुझे हंसी आ रहा है वो कहे हैं कि हमारा घर रोजे सोहर खेला का हमारे चूहा हुआ ही कोनो <laughs> <laughs> के घर लड़का बच्चा बोला साला नौ महीना वो खेला <laughs> उनका घर रोज कहाँ से बोला का <laughs> <उ? laughs> <एक यो मुण। laughs> <laughs> आ, उनकर भेरारू एटीएम मशीन या तो क्या लगता है कि बात बोले हैं पवन सिंह के बारे में कितना सही है पवन सिंह ये सब चीज मैंने देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिसकी लोग बराबरी नहीं कर सकते अक्सर उसी लोग बदनामी करने लगते हैं तो खेसारी लाल चा के पवन सिंह की गायकी की टक्कर इस जन्म में तो दे ही नहीं सकते बात ही खत्म है हां एक्टिंग बेस्ट सिंगिंग माने पवन सिंह इज द बेस्ट अब तुम लोग कुकुर बिल्ली की तरह आपस में लड़ो तो तुमको ये लोग विवाद पता है क्यों करते हैं छोटे कलाकार का गाना ना बजे अच्छा <laughs> कसम से रितेश पांडे भैया का गाना आया विवाद शुरू हो गया कल्लू भैया का गाना आया विवाद शुरू हो गया अंकुश भैया का गाना आया विवाद शुरू हो गया भाई भोजपुरी में छोटा कलाकार ना उठे यार तुम लोग कैसा राजनीति खेल दिए हो कि कुछ बुझे नहीं करता है हमको यार एक गलत बात है लेकिन मुझे उनकी वो वाली बात पे बहुत हंसी आई थी हमारा घर तो रोजे सुमार हो <laughs> गया मैम आप पे एक और आरोप लग रहा है हाल ही में टुनटुन यादव जी का शादी हुआ था आप लाइव में आकर या किसी वीडियो के माध्यम से आपने बोल कुछ उनके पत्नी के बारे में बोल दिया था मैंने कुछ नहीं कहा मैंने बस इतना ही कहा कि टुनटुन जी आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पीछे से सनी कुमार सनिया जी लोग सब कोई बैठे थे किसी ने कह दिया सुहाग और रत के बधाई दे दो कह दिए और उसके बाद हम शायद कह दिए कि माल बहुत टंच भी है जो कहना क्लियर है भाई जो कहना सुट कहना है हाँ मैंने कहा था भाई अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है अच्छा कौन बॉयफ्रेंड अपना गर्लफ्रेंड का माल ना कहते ही? जी भाई हमरा से कोनो को दो 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 दिन नाम पटेल भाई हमारे बात मत करिया सा मैं किसी से बात करूं दो दिन भी नहीं चलता है <laughs> आपको पता है एक कल लड़के से बात करते थे इंस्टाग्राम पे वो जितनी छोड़ियों को फॉलो किया हम बोले अनफॉलो मार दो उस दिन से जो झगड़ा ब्लॉग शुरू हुआ है आज तक बात नहीं हुई <laughs> मजा आता है कभी-कभी यार बस मैंने यही कहा है कि आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं माल बहुत टन छे बड़ा तो क्या गलत कहे भैया कौन गंदा बात लेकिन उसी पर लोग बोल रहे हम कौनों के घर भी आओ के जब तक ना कह दी हमारे मोरत के अगर दोस्त थी तो क्या कही चाहे हो सकता है उससे अभी हम ना मिले हो हमको ना पता हो मेरा उसी से शादी होगा उसको दोस्त लोग उसको क्या कहता कहेगा अरे अपना थॉट है यार चेंज करो हाँ माल मन पैसा भी हो कला तोर मानसिकता पर डिपेंड कर तू सोच कहा ठीक बा मानसिकता के अपन चेंज कर ठीक हम लगवानी अब अपना बलुआ के देखावानी कि नाली हले उनका मनवा में खोट लागल सखिया तो हम सजनी सैया खाती सैया चल ले छपहरा तो दिल हवा में चोट लगल रे सखिया बहुत बड़े मैम जाते जाते एक और सवाल कि आप पे अश्लील गानों का आरोप लगता है उस क्या कहना चाहिएगा कुछ नहीं गावत नहीं भैया चल गावत नहीं क्या कबार ले गावत नहीं तब तो। आप सुन रहे हो मैं गा रही हूँ आप मत सुनो हम नहीं गाएंगे बात खत्म ये अश्लीलता का चिट्ठा लेके बैठा जो बोलता है ना कशील एकदम मन करता है ना सलाह हम और अच्छा जगह नहीं गाएंगे निकाल करके हो, हो गए बिया हो हो ले तूरी बहन की आँख गई ले भैया तो तुक्का कबार ले बेवकर कुछ ना तुम बोल सकते हो बोलना तुम्हारा काम है भौंकना तुम्हारी काम है हम कुकुरों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं हम शेर हैं और शेर पे हमेशा सिंहासन पे राजा अकेले बैठता है इसलिए जिंदगी में इंसान को अकेले चलना चाहिए ठीक है और हम शेर हैं और हमारे संगे पाँचों के देख ला का अभी तक ना। हम कोई तनिगो हिट हो गया तब पाँचों के संगे चलना हमारा मुझे कुछ नहीं है कहीं भी मुझे आप अकेले पाओगे ठीक बा और रही बात कि तुम अपना जलन बरकरार रखो हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे जलने वाले जर के मर जाओ खुशखबरी दे रहे हैं ये दस दिन के अंदर स्टूडियो खोल रहे हैं और स्टूडियो का नाम है रुद्र शक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो ठीक बा सत्तर फीट खुलो चाहे जहाँ खुलो लेकिन केहू के आन में नहीं हम हम कंपनी वाला बाबू का नाम हम ना लेब अगर वो वीडियो देखा तो जान जी। एक दिन उसको गाना गवाने के वजह से दो साल पहले हम बोले थे तो हमको नहीं गवाया था उसी आन में हम स्टूडियो खोल रहे हैं तो जाते जाते अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए कुछ नहीं लव यू सबको दिल से हरन महादेव सबको प्रणाम जितने आदमी प्यार करते हैं उनके लिए तान्या हमेशा खड़ी है अगर आपने इतना सा भी मेरा साथ दिया है तो आपके लिए मेरी पूरी ज़िंदगी हाजिर है क्योंकि आपको काम हमी से पड़ने वाला है इसलिए मेरे बारे में अगर बात करते हैं तो थोड़ा कम लोगों से बात कीजिए क्योंकि जो आप जिसके सामने बोल रहे हैं ना कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा नमक खाया है कहीं ना कहीं कही वो मेरे अपने हैं और मेरे अपने मुझे ना बताएं इतने मैंने अपनों को दूर करके नहीं रखा है और जिन्होंने मेरा नमक खाया है वो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं बताएगा तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे बारे में ई वू फलना ढिमका बोल जा रहे हैं तनी आदमी अपना औकात में रह तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा कहावत है कि जेते पाओं पसारी इतने लंबी शौर आदमी को उतनी ही चादर पसारनी चाहिए जितना बड़ा उसका पैर होता तो आप उतनी ही बात बोलिए जितनी आपके औकात में सिमट जाए क्योंकि कहावत है कि बानी बोलिए बांध के पानी पीजिए छान के बानी बांध के चबा करके निकलना चाहिए अगर बानी को हम चबा जाएंगे ना तो हो सकता है वो ना निकले और निकलेगा अभी तो पिस के निकलेगा जो कि जहर ही होगा शायद तो हमेशा हम नागन है किसी ने कहा है कि आप नागन को दूध पिला रहे हैं पिला रहे हैं तो नागिन भी वही पालता है जिसकी औकात होती है मुझे वो पाल रहा है जिसकी औकात है और पाल रहा है मेरे मामा पाल रहा है मेरी माँ पाल रही है मेरा नानी घर वाला पाल रहा है बाद में कोई हमको नहीं पाल रहा है गलत थॉट नहीं बिल्कुल नहीं ना तो माई बहन कुल शुरू जा हर महादेव सबके ओके तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी की गायिका तनिया झा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद माधेव